नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की चार पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं व्रत में सुनने मात्र से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपको अपार सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा सुनने से पहले सभी लोग बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए व्रत कथा, पहली कथा है पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं कष्टों का निवारण कर सकता है। कार्तिकेय गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों पाप यानी दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाएंगे, जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, चारों तरफ के मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की प्रथम कथा संपन्न हुई। बोलिए ओम गौरी गणपताये नमो नमः। अगला है दूसरी व्रत कथा है गणेश चतुर्थी की। दूसरी व्रत कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जा करके गणेश भगवान का दिन चल रहा है तो आप सब गणपति बप्पा मौर्य अवश्य लिखिए, या फिर आप ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। तो मैं दूसरी व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद के राज्य में एक कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाता वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका भी ना हुआ। वह डर गया, राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी के तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस तरह के घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दूसरी व्रत कथा संपन्न होती है। तो अब तीसरी कथा प्रारंभ करती हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई ना दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को न्योता क्यों नहीं भेजा गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान ने से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे गणेश जी की पिता भोलेनाथ वह महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। और गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं,
दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात बहुत पीछे रह जाएगी। यह सुझाव भी आप सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिसने उनके वाहन धरती में धस जाएंगे तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती पर धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, उन्हें मना कर लाएं, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। कहीं रथ के पहिए निकले, अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती कम कर रहा था, उसने बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके सारे संकट, सारे जो भी काम है उनमें विघ्न आया है, संकट आया है। तुम मूर्ख अज्ञानी हो, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते, उनका ध्यान करते। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल सकते हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारग सरियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। इस प्रकार से तीसरी कथा संपन्न होती है। चौथी कथा श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, वह प्रश्न सबके समक्ष आया। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेल रहे हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है, कौन कौन। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेल शुरू कर दिया। खेल तीन बार खेला गया, संयोग बस तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पिता से माफी मांगी और कहा कि मुझे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे के अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा करने से तुम्हारे सभी जो भी कष्ट है वो हर जाएंगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष के बाद स्थान पर नाग कन्या आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, श्रद्धा से गणेश जी को प्रसन्न किए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच सकूं, वह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पहुंचने ते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पापा
भूख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने ही बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने गणेश चतुर्थी की 4 व्रत कथाएं आप सबको कैसे सुनाई। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेश आए नमः।